हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओकओवर का घेराव किया गया। स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर धरने पर लोग बैठे और धरने में सभी जिला के लोग पहुंचे हुए थे। क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि अप्रैल में सरकार ने आयोग का गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जब पहले सचिवालय का घेराव किया गया था, तब सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था तथा जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई थी। उस समय 3 महीने के अंदर स्वर्ण आयोग बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई भी गठन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष रूमी ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज के लोगों के साथ सरकार अनदेखी कर रही है, जिसका हर्जाना उन्हें विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वर्ण आयोग के गठन का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द स्वर्ण आयोग का गठन करने की घोषणा नहीं करती है, तो आने वाले 20 जुलाई को शिमला में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, साथ ही शिमला की सड़कों पर भी तांडव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें सुबह का समय दिया था और सभी जिला के लोग कोरोना नियमों को देखते हुए कम यहां पहुंचे थे, लेकिन उनके आने से पहले ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे बिना मिले ही चले गए, जिसके चलते क्षत्रिय संगठनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास का घेराव किया है। पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को उठाया। 12 अप्रैल से हम लोग शिमला बैठे, 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में सचिवालय को बंद किया गया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 30 मिनट की वार्तालाप के बाद स्वर्ण समाज से वायदा किया कि वो हिमाचल प्रदेश में 90 दिनों के भीतर स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार से बात करके, उनसे वार्तालाप करके, अन्य जो आयोग हिमाचल प्रदेश में बने हैं उनकी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज 85 दिन बीत गए, हमने प्रदेश की सरकार को कहा कि आपने अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया। हम आपको रिमाइंडर कॉल देने के लिए आ रहे हैं 15 तारीख को। पूरे CID, पूरी IP के पास रिपोर्ट थी, हमने अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रदेश मुख्यमंत्री के कार्यालय में भेज दिया कि भैया हम आ रहे हैं, इस प्रदेश का स्वर्ण समाज आपसे मिलने आ रहा है। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बेशर्मी वाला व्यवहार दिखाते हुए स्वर्ण समाज को ठींगा दिखा कर यहाँ से निकल गए। उनकी भावनाओं का निरादर करते हुए यहाँ से निकल गए। हमने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगा ही क्या, सिर्फ स्वर्ण आयोग ही की मांग हमारी है। हमने आपसे, इस प्रदेश की सरकार से कुछ और नहीं मांगा। जिस प्रकार इस हिमाचल प्रदेश में बहुबल संख्या में स्वर्ण समाज रहता है, 75% स्वर्ण समाज रहता है, उनकी मांगों को दरकिनार कर, उनकी भावनाओं को दरकिनार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकल गए। हमारी एक ही मांग है, स्वर्ण आयोग 20 जुलाई तक इस प्रदेश की सरकार के पास समय है। 21 जुलाई से देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा का टाइम शुरू होता है। 21 तारीख को सुबह 11:30 बजे आपके शिमला में प्रेस वार्ता की जाएगी। जो भी 21 तारीख को कदम उठाया जाएगा, वो आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को उसकी सूचना दी जाएगी, क्योंकि 20 जुलाई रात को 12 बजे तक इस प्रदेश सरकार के पास टाइम है कि ये स्वर्ण आयोग की मांग को पूरा करे। उसके बाद हमारा टाइम शुरू होता है, उसके बाद इस हिमाचल प्रदेश की सड़कों पे ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना हो। बैठे हैं इस प्रदेश की सरकार को हम सीधे शब्दों में बोलना चाहते हैं, यहाँ पर खड़ा हुआ है जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, हम इनको बोलना चाहते हैं भैया कोई गलती ना करे, कोई भी गलती ना करे कि कोई लाठी चार्ज करेगा, कोई कुछ हाथापाई करेगा, इस बात की कोई गलती बिल्कुल भी मत करें। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने अगर गोली चलानी होगी तो गोली चला लेना, अपने बंदूकें आप लोग तैयार कर लेना, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तेजी में यहाँ से वो बाली चौकी पहुँचे हैं, उसी तेजी से प्रदेश के मुख्यमंत्री आए वापस। हम बैठ देखे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 30 मिनट की वार्तालाप के दौरान हमसे वायदा किया था कि हम लोग मध्य प्रदेश की सरकार से बात करेंगे। उनकी
उनसे बात करके अन्य आयोग जो हिमाचल प्रदेश में बने हैं उनकी तर्ज पर स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए 3 महीने के भीतर। और ये समय हमने नहीं दिया, ये इस प्रदेश के जिन्होंने आज अपनी नकली राजपूती दिखाते हुए जो परिचय दिया है उन्होंने ये समय हमसे लिया था, उन्हीं का लिया हुआ समय आज हम उनको याद दिलाने यहाँ पर आए हैं। जिस तेजी से यहाँ पर अपने उड़न खटोले में बैठकर गए हैं उसी तेजी के साथ आ जाए मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर, हम तब तक नहीं उठेंगे। आपके पास सरकार है, ताकत है, बाहुबल है, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट आपके पास है, आपने जो अपनी ताकत का प्रयोग करना है आप कीजिए, जो हम अपनी ताकत का प्रयोग करना होगा वो हम करेंगे।